नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप देख रहे हैं पैसा बचाओ। दोस्तों आज की वीडियो है हमारे क्लियर मसल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 6 वीक ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा क्लियर मसल को यूज करते हुए और आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट काम का है या नहीं है, पर वो 6 वीक्स मैं कम्प्लीट नहीं कर पाया। कुछ फैमिली इशूज थे, काफी मुझे ट्रैवलिंग करने पड़ी जिसकी वजह से मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 4 वीक्स की करने पड़ी। तो इन 4 वीक्स पे क्या चेंज आया वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ day 1 पे जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी तो यहाँ पे मेरा वेट था 74 kg, और अभी जब 28 दिन हो गए हैं यानी कि 4 वीक्स की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना वेट मैंने गेन किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी मेरा वेट ये बता रहा है 76.5 kg, यानी कि 2.5 किलो मैंने वेट यहाँ पे गेन किया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा जो फैट परसेंटेज है वो 13% के पास है, तो यहाँ पे हल्का सा फैट मैंने गेन किया हुआ है। तो यहाँ 2.5 kg में से मेरे हिसाब से 2 kg तक मैंने मसल गेन किया है और 500 ग्राम्स तक मैंने फैट गेन किया है। और जो 2 kg मैंने मसल गेन किया है उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन की है मैंने। जैसे स्क्वैट्स में पहले 100 kg का 1 रैप मारता था पहले, तो अभी मैं 120 kg का 1 रैप मैक्सिमम मार पा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इसकी वजह से गेन हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2.5 kg वेट गेन मेरा 4 वीक्स में हुआ है। और अगर आपने इस मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि पिछले 3 साल से मैं गेनिंग कर रहा हूँ और पिछले 3 साल में मैंने 22 kg मसल गेन किया है, जिसकी वजह से जो मेरी वेट गेनिंग की प्रोसेस है बॉडी की वो काफ़ी स्लो हो गई है। तो उस हिसाब से 2.5 kg वेट गेन करना काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है 4 वीक्स में, और जिसकी वजह से जो मैंने यहाँ मसल गेन किया है काफ़ी स्ट्रेंथ भी मैं इंक्रीज कर पाया हूँ। जो स्क्वाट है वो मैक्सिमम 1 रैप में 100 kg का मार पाता था और डेडलिफ्ट का मैक्सिमम 1 रैप में 110 kg का मार पाता था। यहाँ मैं जो करेक्ट फॉर्म है उसकी बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोग जो है ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में, दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपनी फॉर्म गलत कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में इंजरीज हो जाती हैं। तो यहाँ मैं करेक्ट फॉर्म के साथ अब 120 kg 1 रैप कर पा रहा हूँ स्क्वाट का और 130 kg डेडलिफ्ट का 1 रैप कर पा रहा हूँ मैक्सिमम। जो अब डाइट और वर्कआउट की बात करें तो डाइट जो मैं ले रहा था और जो मैं वर्कआउट कर रहा था तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिख रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि क्या मैंने डाइट ली, क्या मैंने एक्सरसाइज की। और अगर बात करें अभी सप्लीमेंट्स की जो मैंने यूज किए थे, तो पहले तो आ जाता है क्लियर मसल जिसके ऊपर ये वीडियो है। तो इसमें लिखा था कि 6 कैप्सूल दिन में लेने हैं, तो यहाँ 6 कैप्सूल मैं यूज नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने किए हैं 4 कैप्सूल यूज। एक मैं कर लेता है मॉर्निंग में, एक लेता था मैं आफ्टरनून में, एक लेता था प्री वर्कआउट और एक लेता था पोस्ट वर्कआउट। जो मेरा पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक था, week 1 में मैंने वो डाकीमीटर यूज किया है 2 व्हाइट ब्रेड के साथ, क्योंकि डाकीमीटर में कार्ब्स बहुत कम है। डाकीमीटर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, ये मुझे रिव्यू के लिए आया था, तो यहाँ 1 वीक का ये बचा हुआ था। तो 1st वीक मैंने डाकीमीटर यूज किया है और 2nd से 4th वीक मैंने यूज किया है न्यूट्रीमेट का गोल्ड वे, जिसमें कि प्रोटीन और कार्ब की रेशो बहुत ही परफेक्ट दी हुई है क्रिएटिन के साथ। और जो प्री वर्कआउट यूज किया है मैंने वो किया है डाकी का ब्रिट्स, जो कि बहुत ही तगड़ा प्री वर्कआउट है, मैंने इसके ऊपर रिव्यू दिया है, आप इसे देख सकते हैं। तो और जो नाइट में प्रोटीन मैंने यूज किया है वो किया है मैंने डाकी का कैसूटा। तो इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो सप्लीमेंट है कि क्यों मैंने ये सप्लीमेंट यूज किए और क्यों ये बाकी सप्लीमेंट से बेटर है। और अगर हम फाइनल रिव्यू की बात करें क्लियर मसल की, तो जितनी इसकी तारीफें की गई है मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है, उसका ये 40% इसको मान सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड था और काफ़ी एक्सपेक्टेशन मैंने इसके साथ रखी हुई थी। तो जो day 1 था मेरा, उस टाइम मैंने आर्म्स की और आर्म्स को मैंने ओवर ट्रेन किया यही देखने के लिए कितना अच्छा रिकवर मेरे मसल्स को करेगा। तो यहाँ पे डाइट मेरी परफेक्ट थी, एक्सरसाइज मैंने बहुत अच्छे से की थी, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से किया, मैंने ओवर ट्रेनिंग कर ली थी, पर मसल टेक वालों ने खुद कहा था कि आपको यहाँ पे हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, तब ये अच्छा असर करेगा, तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तो 4-5 दिन तक मेरी आर्म से सोरनेस नहीं गई, तो मुझे समझ आया कि ये प्रोडक्ट कोई मैजिक नहीं करने वाला और यहाँ हमें ओवर ट्रेनिंग नहीं बल्कि हार्ड ट्रेनिंग करनी है। तो उसके बाद मैं हार्ड ट्रेनिंग करता रहा और week 1 तक मुझे कुछ फील नहीं हुआ, पर जब से week 2 लगा तब से मुझे फील होने लगा कि जो मेरी रिकवरी प्रोसेस है बॉडी की वो काफ़ी फास्ट हो गई है। तो हाँ, ये रिकवरी प्रोसेस तो इसने मुझे काफ़ी बढ़ाई है। और साथ ही अगर ओवरऑल देखा जाए तो वेट गेनिंग में मुझे पता है मुझे कितनी मुश्किल होती है, तो अगर मेरी डाइट भी परफेक्ट थी, एक्सरसाइज मैं अच्छे से कर रहा, तो भी यहाँ 4 हफ्ते में मैक्सिमम 1.5 kg मैं गेन कर पाता, तो यहाँ पे जो मेरा वेट गेन हुआ है वो 2.5 kg हुआ है।
तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट काम का है या नहीं है, आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू क्लियर मसल के ऊपर, और बाकी जो सप्लीमेंट्स का रिव्यू है वो भी मैं 2-4 दिनों में भी वीडियो डालता रहूंगा और बाकियों के बारे में भी आपको बताता रहूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत।